जन्नत का ये है कि जन्नत जो करना चाह रही है वो मैं नहीं चाह रही कि वो करे। लेकिन और जन्नत क्या करना चाहती है? वो साइकोलॉजी पढ़ना चाहती है, उसको बहुत शौक है। वो बहुत अरसे से ना वो वैसे भी बुक्स के अलावा जब नहीं थी ना, वो तब भी पढ़ती थी साइकोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी चीजें। साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती है तो फिर आप लोग क्योंकि वो पता क्यों बनना चाहते हैं, हम दोनों को देखने के बाद कहीं इलाज यहीं से शुरू करूंगी तो हम दोनों दो पेशेंट घर में हैं तो कहती है ये करूंगी। लेकिन ये कि उसका सिंगिंग बहुत अच्छी है, उसकी बहुत अच्छा गाती है। BTS जो कोरियन म्यूजिकल अम्मा अब्बा दोनों बैंड है, म्यूजिकल बैंड कोरियन, वो उसका वो सी डाई हार्ड फैन है और बहुत उसको पसंद है, कोरियन गाने गाती है। अच्छा समझ अब आई एम श्योर कि इन बच्चों को कोरियन समझ भी आने लग गई होगी। हाँ वो समझ आती है, जाहिर है वो गाती भी है पूरा वो। और आप ये समझे कि उनका एनसाइक्लोपीडिया ही है, वो सब बताएगी आपको कि ये जो सात लोग हैं वो देखे ना दस तस्वीर भी बनी हुई है। हाँ, ये जो सात लोग हैं ये कहाँ से शुरू हुए, इन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, क्या क्या हुआ इनके, सब कुछ पता है। वो कितना अर्न करते हैं, कितना लोगों पे वो करते हैं। आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत बड़े तेज है। अगर हमें बच्चे ने पूछा था तो हमें बैक सीट बॉयज का सब पता होता था। एकदम ड्राइव करके जा रहे थे तो सबकी बारी आ रही थी। पहले जन्नत अपना गाना लगाती थी, फिर इब्राहिम लगाता था। जब हम दोनों कहते ना ये गाना लगा था, दोनों से यूँ देखते थे। मैंने कहा यार तुम लोग क्या हमारी बारे, खैर आप लोग गाना खत्म ही नहीं होता है, म्यूजिक भी चले जा रहा है। सात मिनट के गाने आपके खत्म नहीं हो रहे और इनके तीन नए सॉन्ग हैं और वो डेढ़ दो मिनट के गाने होते हैं ना। अब वो एक गाना था कबूतर जा जा लगवा दिया, वो खत्म। कबूतर ही जाके दे रहा है बाबा, कबूतर ही नहीं जा रहा है, जा जा भगा भी रहे नहीं जा रहा, कह रहे खत्म ही नहीं हो रहा आप लोगों के गाने कबूतर। अच्छा वैसे आपको नहीं लगता ये आजकल बड़ा मसला हो गया? मैं भी व्हाट्सएप पे अब जो क्योंकि अब स्पीड भी आ गई है तो हमारा भी ना थोड़ा सा वो स्टेमिना थोड़ा कम हो गया है। मैं भी वन की स्पीड तो कोई मैसेज सुनती नहीं, मैं डेढ़ की स्पीड पे। हाँ, मैं तो जैसे आपने कहा ना कि हाँ जैसे बच्चे भी जो है कि वो कहते हैं जी आपका गाना कितना लंबा है, तो अब ये क्योंकि रील्स भी इतनी छोटी आने लगी हैं तो आपको लगता है कि बच्चों का बड़ा स्टेमिना का इशू हो जाएगा कि भाई नहीं बस आगे बस ठीक है बात खत्म करें आगे चले आगे चले। एक्चुअली ये यही है ना, फोन ही है ना ये भी। फोन में आप ये देखें कि यूं आपने एक टच किया यूं सब कुछ खुल गया। अच्छा कभी आपका इंटरनेट स्लो होता है तो हमारे घर में रहना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इंटरनेट स्लो है, क्यों नहीं चल रहा, कॉल करें। अच्छा वो तो स्कूल का काम भी होता है, दस चीजें होती है, लेकिन हम लोग ना उसके आदी हो गए हैं कि हमें अब वो टॉलरेंस नहीं रही, सबर नहीं रहा कि बस हम यूं बटन दबाए और सब कुछ हो जाए एकदम से, तो वो हमारी तबीयत में भी आ गई है ये चीजें। अच्छा मुझे बताएं जवेरिया, आप कहती ना कि वो साइकेट्रिस्ट बनना चाहती है लेकिन आप नहीं चाहती, आप क्या चाहती हो क्या बने? देखिए मैं ये चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत कम बोलती है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ उसके मतलब कि कोई बात हो जिस पे उसको आर्ग्यू करना हो किसी भी दुनिया के किसी भी टॉपिक के ऊपर तब वो बोलती है और बहुत अच्छा बोलती है लॉजिक के साथ। लेकिन वैसे वो ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है तो वो वैसे भी नहीं बोलती और उसके बाद ये काम भी सुनने का ही है ज़्यादातर। और फिर मैं ये चाहती हूँ कि जितना पढ़ाई उसमें करनी पड़ती है आपको वो टाइम बहुत पढ़ाई में निकल जाएगा, तो मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और जहाँ तक की बात है कितनी अच्छी है, मैं वो चाह रही हूँ कि वो पढ़ाई में अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें, वरना माँ बाप ये 7-8 साल तो इसी पढ़ाई में लग जाएंगे ना फिर स्कूल के बाद। एक हमारे हमारे एक दोस्त हैं वो बैठे हुए जन्नत इब्राहिम से बातें कर रहे थे। जन्नत ने कहा मैंने ये करना है, मैंने ग्रेजुएशन करनी है, मैंने फलां करना है। इब्राहिम ने कहा, उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग ने जो पढ़ना है पढ़ते रहो लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है आपने भले अब हमारे होता है ना जो फर्स्ट आना है तो फर्स्ट आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो उसके बाद की लाइफ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो हमारे दोस्त जो है वो बनी साहब हैं, उन्होंने समझाया दोनों बच्चों को बिठा के उन्होंने समझाया कि ये इस तरह से करो, फोकस करो और ये फर्स्ट आना सेकंड आना ये रेस नहीं है, रेस ये कि इसके बाद क्या करना है असल। और वाकई वो देखें अब आप जो IT और ये सारी चीजें हो रही हैं इसमें आप अब तो फोन पे पता लग जाता है, अब तो डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं ना, अब तो ऑपरेशन भी कर रहे हैं यूट्यूब लगा के। अच्छे का दौर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा खौफनाक दौर आ गया। अच्छा आपने कहा कि वो जरा कम बोलती है, किस पे गई है वो? आप भी घर में कम बोलती है? ये कम बोलते हैं बड़ा मजेदार इनका शो था, तो वो एक जो ज्यादा बोलने वाला बंदा ना वो बहुत ज्यादा मजे का शो कर सकता है, तो मैं एकदम होगी कि है ये कम बोलते हैं। अच्छा कौन सी अपनी ऐसी आदत आप देखती जो कि जन्नत में आई है? बहुत सारी चीजें हैं, उसकी ड्रॉइंग बहुत अच्छी है, गाती है तो गाते तो ये भी हैं, और दूसरा वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है।
हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा है. मतलब कोई बिल्ली का बच्चा भी कोने में होगा ना तो वो टेंशन में ही रहेगी कि ये इस बिल्ली के बच्चे को किसी तरह मैं उसकी जगह तक पहुंचा दूं. वो आदत से जवे दिया. अभी जैसे हम लोग को एक बहुत बड़ी ड्रिंक थी उसका एड हम लोग को जी मैं देख रही थी. हाँ ठीक है. तो चारों को तो टर्की जाना था 2 दिन के लिए और अच्छे पैसे भी अच्छे मिल रहे थे. तो और आपके करियर के लिए भी अच्छी होती है चीज़, करियर के लिए भी बड़ा ब्रांड. हाँ तो मैंने इन लोगों को बताया तो कहने लगी कि नहीं 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 हम तो बायकॉट कर रहे हैं उसका. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ सुने वो हमारे बच्चे तो बायकॉट कर रहे हैं तो अब क्या करें. उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप जो है आप दोनों आ जाए, बच्चे हम किसी और को बना देंगे. मैंने कहा हाँ चले ठीक है, किस किस डेट पर जाना है ये मुझे डेट वेट बता दें. जब फ़ोन रखा तो खड़े, आप क्यों करेंगे. मैंने कहा क्यों, हम दो तुम लोग बायकॉट कर रहे हैं, हम दोनों कर सकते हैं. कहने लगी मामा खुदा के वास्ते जो कर सकते हैं वो तो करें आप लोग, इतना सा तो हिस्सा डाले अपना आप लोग कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे पास इतनी पावर है, ना हमारे पास इतना पैसा है, ना हम वहाँ जाके लड़ सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें. क्योंकि ये वो टाइम हम देख रहे हैं कि लोग कर रहे हैं ना, लोग पैसों के लिए कर रहे हैं. अच्छा मैंने उसको ओके कर दिया, ठीक है हमने बच्चे हम चले गए शूट पे. अब मैसेज पे मैसेज जन्नत के कोई मोरल नहीं आप लोगों का, क्या आप पैसे के लिए ये क्या ऐड कर देंगे क्या, इतने मैसेजेस इतने मैसेजेस. बच्चों को पता नहीं कि ये ऐड छोड़ने का चेवड़े का ऐड भी नहीं मिलेगा. अब उनको कौन समझाए. कोई दाल मोट दे दे, दाल मोट खाइए, सुपारी खा लो, कुछ भी नहीं दे रहे ना लोग. वैसे बात उन्होंने बिल्कुल सही की, लेकिन आई मीन इन बच्चों को आप देखें ये एथिकली ये मोरली कितने स्ट्रॉन्ग है. अभी से इतना तो हम इस उम्रों में इतने तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे हमें अभी तक कुछ नहीं पता इतना सारा करना. ये बड़ा अच्छा जेस्चर है, रादर देन आपके रोड पे खड़े होकर मतलब लाइटें तोड़ दें, ब्लॉक कर दें, लोगों को तकलीफ पहुंचाए. आप अपना हिस्सा एक दूसरे अंदाज से डाल सकते हैं और अच्छे वे में. ये नहीं नोट भी हो जाए, पता भी लग जाए. और नहीं, मेरे बच्चे इतनी सारी चीजें खाने पीने का जो इतना भी यहाँ पर है रेस्टोरेंट्स वगैरह वो बहुत करते थे. कॉफी एक है उसके बड़े फैन थे. उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया एक सेकंड के अंदर, जिसके बगैर रहते नहीं थे, यानी कि रोजे तक उससे खोलते थे, बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने. तो मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह इतने स्ट्रांग हैं बच्चे, तो अगर इनसे हम कुछ सीख रहे हैं तो बड़ी बात है. और पता है इनको देख के बड़ी चीज की खुशी होती है कि यार हमारा फ्यूचर जो है ना इज इन सेफ हैंड्स. राइट ये जनरेशन जो है ना यही पाकिस्तान को लेकर चलेगी इंशाल्लाह. बैट पाकिस्तान को चेंज कर देगी. जो अब जनरेशन हम लोग वाली नहीं, हमने तो जो करना तो कर दिया, लेकिन जो आने वाली है ना, और हमारी नहीं सब जितने भी बच्चे हैं बहुत चेंज है, उनकी सोच बड़ी चेंज है, उनका अंदाज बड़ा अच्छा है, उनकी अप्रोच ही डिफरेंट है. बहुत अच्छी अप्रोच है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी. भाई ये बहुत बड़ी बात है जो आप बता रही हैं. मतलब ये आज छोटे बच्चे जो ना सिर्फ खुद एक इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं और वो अपने माँ बाप को भी कह रहे हैं कि आपने वो नहीं करना, चाहे उनको पता है कि जी हाँ ये फाइनेंशियली कितना बड़ा जो है वो एक तरह से, और फाइनेंशियली क्या मतलब आगे आने वाली कितनी अपॉर्चुनिटीज कट कर देगा, बट स्टिल इस बात करना है. अच्छा आपको सऊद भाई क्या लगता है कि आपकी कौन सी आदत आपके बच्चों में है, और कौन सा बच्चा आपको लगता है कि अपनी हॉबीज को लेके आपसे ज़्यादा करीब है. मेरे ख्याल से दोनों ही सेम हैं, लेकिन नॉर्मल क्योंकि हम लोग जो करते हैं हम दोनों के सेम. मुझे इब्राहिम ज़्यादा लगता है इन पे. और क्रिएटिविटी में इब्राहिम ज़्यादा है, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं हूँ. वो जवेरिया है. हाँ उसमें बहुत ये लिखने का बिल्कुल नहीं नहीं, ये तो माशाल्लाह डिजाइनर भी है ना, जवेरिया रह चुकी है और सारा आर्ट का से रिलेटेड चीजें इसने ज्यादा की, मैंने नहीं की. अच्छा ये इंटीरियर डिजाइनर भी, लेकिन उसके अलावा वैसे भी ज्वेलरी कपड़े भी बड़े जबरदस्त डिजाइन करती हैं. मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया 4 साल का. तो मुझे बताएं आजकल तो ये बड़ी ट्रेंड भी चल रहा है कि हमारी जितनी मॉर्निंग शो होस्ट है वो अब वो क्या कहते हैं उनके अपने कपड़ों के ब्रांड है. मैं तो पिछले 8 साल से कर रही हूँ, 8-9 साल हो गए जनत कलेक्शन के नाम से. बहुत पुराना हो गया मेरा, तो मैं बाहर ज्यादा करती हूँ क्योंकि बाहर जाने भी ज्यादा होता है. बाहर हाँ जब जाते हैं वहाँ एग्जीबिशन और ये सारी चीजें, लेकिन अब ये बाहर सब लेके जाने लगे. अब लेके जाने लगे मैं तो हमेशा से बाहर किया है, क्योंकि जब जाहिर है मेरे लॉस सब बाहर रहते हैं और सारी ईदें सारे बड़े वो भी हैं मेरी. हाँ तो हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो मैंने मुझसे इन्हीं के एक दोस्त हैं उनकी वाइफ उनका बुटीक है, तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि आप मुझे भी कपड़े. जब मैंने यहाँ पे अपनी आउटलेट बनाई थी तो उससे पहले की बात है, उससे पहले ही उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लिए. तो फिर वो ये होता है कि 20-25 सूट ले गए तो वो अच्छा. एक्चुअली ज़रूरत है कि हम कुछ और भी करें, लेकिन उससे इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम ये सब कितना कर सकें. लेकिन जो आपके अंदर एक फन होता है ना, चाहे वो नजर आ जाता कुछ भी हो. मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आप लोग के मुझे ब्रेक के बाद मिलते हैं.